पानी बोतल गिरूंगी। खाने दिक्कत है आपको और वाइट है पानी खा को नहीं तरूं पानी खटा बैठ मैं टांग क्यों पीक बैग तो पीछे पॉलीथीन ले आऊंगी मोबाइल मोबाइल गाल नहीं पारी सजे तो रेन के उठा है ना हेलो जी राम राम भाई सारा ने स्वागत है हमारा एक और नए ब्लॉग में जी को नाम है पूजा प्रंगी कुनिया और टाइम हो रही है सुबह 8:40 राज में हो गया लेट क्योंकि मंडी जानो लेकिन उठे भी टाइम थोड़ी बारिश सी हो रही थी मैं सोचा चलो 8:30 लेट तो हो रहा देखांगा कुछ मिल जाएगा तो ले आवांगा नहीं तो यहाँ मान लेंगे बारिश का मौसम में बारह घूम गया है ना क्योंकि मंडे टाइम हो तो जाओ बंदी बाकी देखो चलो तो चला बारिश स्टार्ट होगी पेट के नीचे सामने से गया तो है दुकान पर भी इतनी तेज बारिश को नहीं तो मैं सोचा ठीक डर आएगा थोड़ी सी मतलब सब्जी लिए थोड़ी तो सोचा 2-4 मिनट खड़े हम बारिश रुक भी गई एक बार आई थोड़ी सी मंडी में हालत खराब होगी हाँ देखो कहीं होंगे कचपित सांग रमजे जी किसोक लग रहे अंधड़धड़ी भी बहुत आया करे सब सब्जी उठा उठा भाग लगे दिक्कत लग गई क्योंकि टाइम भी तो लेट हो रहे हैं ना 9:15 हो रहे हैं इतना तक सब्जी रहेगी मान तो कि मेरे सब्जी आज मिलेगी कौन मिले कोई कौन मेरे सब्जी की जरूरत कौन मैं फ्रूट लेने ना आया फ्रूट वाले में तो और भी आना खराब है मोदे प्रमोद सुई लगा मेरे को लगा दे देखियो वो सुई कौन लगावे मैं कौन लगाऊं तेरे लगा ले तेरे लगाना डाल के तो देखिएगा गाइस मैं इंजेक्शन लेके हाथ में खड़ी हूँ और प्रमोद का वेट कर रही हूँ कि प्रमोद लगाते लगाते वो लगान कौन लग रही है पहली बार मैं खुद लग गए ये डर कौन लगेगी तो मन खुद नहीं लगानी पड़ेगी फिर मेडिकल पर तो रोज के पार कौन पड़े आपकी बार तो पेन दे देगो पेन की कहे मैं पेन की आगे कॉस्टली बहुत पड़ेगी 6-7 हज़ार का पड़ जाएगा महीने का हेलो जी गुड इवनिंग राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री राम जय श्री श्याम क्या हूँ सारा जना तो आज मेरे ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हो बहुत लेट क्योंकि मेरी तबीयत डाउन हो गई फिर मैं चलो थोड़ा बहुत तो ब्लॉग डाल ही दें और कल इंसुलिन लेके आई
कल इंसुलिन लिया ही भी बाद में आज रात कल लगाया और रात ने भी लगा मतलब कल 3 इंसुलिन लिया आज सूट से खाली पेट लेना और इंसुलिन को ले लियो भी बाद में क्योंकि जहाँ 8:30 बजे सी मैं मंडी गया 8:40 पर गया मंडी तो 8:15 बजे सी इंसुलिन लियो भी बाद में मैं दही रोटी खा ली फिर मंडी चल गया मंडी जाके वापस भी आ गई एकदम नॉर्मली कुछ भी प्रॉब्लम को नहीं मंडी आने के बाद मैं सब्जी धोगी परमजीत जी तो की करूँ कि बोले मैं नहा लूँ 11 बज गए इतने में क्योंकि मैं नहा धो कर लूँ मैं लेट होऊंगा और तू सब्जी बना दे और ऑटो लगा ले तब फिर मैं दीवा बती करूँ तो रोटी सीख ले मैं को ठीक है मैं भाई सब्जी छोंक के ऑटो लगाने बैठी ऑटो लगाती नहीं छोड़ के गया परमजीत जी तब तक नॉर्मली मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं मेरा मैं बाथरूम में घुस गया जो है मैं ऑटो लगाऊँ तो मेरा अचानक पूरी बॉडी में सुन सी होगी और मतलब कंप ही छूट गई हैं दूसरा नहीं लगा दिख रही हूँ एकदम साफ के मैं धूझ रही हूँ इतनी दौड़ गया धूझने से छूट गई पूरी बॉडी में पसीना आ गया वो ऑटो छोड़ के किचन हूँ मेरे हॉल में होने आए थे आज सिचुएशन हो गई फिर एकदम परमजीत जी आके बोल के बात हुई मेरे को पता होने की हो रही है मेरी बोलने की भी हिम्मत होनी मतलब मेरी बोली खुनी आ रही मैंने हाँ सोचो कि ना फिर मैं कहती मैंने फिर दिन से एक रोटी सेक की जो मेरे मतलब कंट्रोल को नहीं हो रही मेरे यहाँ हो रही कुछ खा ली तो थोड़ी हिम्मत रहती मैंने चक्कर आ और चक्कर आके गिर गई ना तो फिर ले जाओगे भी किया मैंने तो बोलिया इतनी कंडीशन खराब हो रही फिर हम फटाफट से एक रोटी सेकी फिर शुगर ना पी पहले बोलिया इंसुलिन और लगा दी मैं कोई इंसुलिन बाढ़ दो बाढ़ में जाने दो मेरे तो काल लगाए वही कंठा मारे है ऐसी कंडीशन है ना मेरी कई बार जैसे मैं अंग्रेजी दवाइयाँ लेती ना एलोपैथी पी टाइम हो जाती बाकी भी हमको नहीं होती मेरी ए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक लेना तो मेरे शरीर में इतनी शांति रहती इतनी शांति हाँ कई बार मतलब 15-20 दिनों दिक्कत हो जाती पर इतनी ज़्यादा भी कौन होती हालत ख़राब होगी भी घबरा गया परमजीत जी भी मतलब हाल गया सोचो वो क्यों हो फिर अचानक से शुगर नापी तो ओनली 95 शुगर आई मेरी जो कि हाँ शुगर नॉर्मल ही ज़्यादा कौन कम कौन गई मेरी शुगर लेकिन जैसे कि 600 डायरेक्ट अगर आप इतनी नीचे आएगी तो बॉडी में तो दिक्कत होगी तो फिर परमजीत जी खाना बनाया बेचारा जल्दी से मैंने खाई मैं खा के खान पहले शुगर ना पी फिर इंसुलिन कौन लियो कि भाई ऑलरेडी इतनी कम शुगर आ रही है फिर आप इंसुलिन कौन लिया फिर मैं फटाफट से खाना खाया फिर मैं हॉस्पिटल निकल गया तो भी टाइम वीडियो कौन बना सके 11:30 तो हो रहा ही परमजीत जी ने 12:30 बजे एक निकल लो फिर मैं हॉस्पिटल गया हॉस्पिटल में आके फिर मेरे सर दर्द होने लगी क्योंकि वो कल तो बड़े टेंशन ले ली फिर बाद में आज पहले तो कौन हुई टेंशन लेकिन जब अभी इतनी ज़्यादा मतलब बॉडी में दिक्कत होगी ना तो फिर मैं टेंशन होगी टेंशन होना फिर मैं वापस सर दर्द करने लगी फिर परमजीत जी प्रमोद ने फ़ोन करो कि दो फिर फिर डॉक्टर बोले कि ना इंसुलिन बिल्कुल स्किप तो कौन करना इंसुलिन लेना है लेकिन डोज कम कर दो तो पहले मेरी 12 ही आज फिर 6 ही लगाई क्योंकि 6 लगा के देखो आज तो फिर बुआ लगानी 2 बजे प्रमोद ने छोड़ के गया मेरे पास में प्रमोद मेरे कहना 1:30 बजे और अब टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं प्रमोद अभी अब निकल हुआ बस 5-7 मिनट हुए हैं बोले मैं नहा धो ही कर लूँ भाई वो भी बेचारो सुबह को पढ़ाई कर रहे हो फिर बोलो कि नहा धो ही कुछ हम को रहा करें तो फिर उड़े ही हो मेरे को पूरी दोपहर में अब बोलो कि मैं अब तो जा रहा हूँ और शाम को उसी 7 बजे इस्तेमाल करना चाहिए बैठा तो बैठे खाना वाना खा दिया देखूँगी बैठे तो फ्रीज को नहीं भागन तो यहाँ करूँगी मैं खाना बना लेंगे जब इंसुलिन लगा के और फिर खाना खाने चल जाऊँगी क्योंकि इंसुलिन लगन लेने के बाद में प्रॉब्लम होगा कुछ डॉक्टर तो भी चीज़ को रीजन वही बताया कि खाली पेट इंसुलिन ले लियो थोड़ा सा कुछ खा पी के फिर लेना अब भाई मन ध्यान को नहीं हो मन तो यहाँ नाश्तों पहले मतलब खाना पहले ले लो तो नाश्तों में तो हमेशा दही रोटी दही खिचड़ी कोई कर लो तो नाश्तों तो सही है कि धरो लेकिन नाश्तों पहले फिर बादाम अखरोट वगैरह लेके मेरे बाद में इंसुलिन ले चलो बाय बाय अब मेरी बर्तना की ब्रिपी असी क्योंकि पहले तो मंडी चल गया और देखो बर्तना को हाल कुछ इस तरह है क्योंकि सुबह पहले तो मंडी चला गया उरे एक भी बर्तन को नहीं नीचे पड़े क्योंकि पहले तो मंडी चला गया मंडी आने के बाद में फिर की क्योंकि जैसे मैं साथ साथ में मोटर चला दिया क्योंकि मंडी आनता ही फिर बस सब्जी वगैरह से मतलब इसे बैठी हुई कौन नहीं बेहती कौन बैठने होगी इतनी कंडीशन ख़राब होगी और ये हालत है कपड़ा की कपड़ा धोना है खत निकला है सारा कपड़ा धोने वाला इन्हें चेयर पर रखे हैं लेकिन हिम्मत ही कुने हिम्मत नहीं तो फिर छोड़ दिया बाकी कहीं के कुछ लेवा इंसुलिन इंसुलिन भी तुम दिखाऊँ कि
क्योंकि कई अंग धरियां भी हो रही होगी, इंसुलिन की अलग है, इंजेक्शन के अलग है, तो चीज़ भी थानी दिखा दूंगी मैं। कोई गणी बड़ी बात बात को नहीं मैं दिखाऊँ को नहीं दिखा दूंगी, क्योंकि थे भी तो मेरी फैमिली हो तो मेरी फैमिली ने दिखाना भी जरूरी है। बाकी देखो मैं तो काल काल और देखूँगी, काल भी अगर आ कंडीशन रही तो फिर तो वापस से डॉक्टर के जाना पड़ेगा। बस बात ये है कि जो कंडीशन मेरी सुबह हुई मी टाइम कोई मेरे पास में होना बहुत जरूरी है। तो परमजीत सिंह बड़ा टेंशन रहा है, प्रमोद प्रियांशी भी तो बेचारा पढ़ाई कर रहे हैं, भी तो कितनी देर रह सकते हैं। और फिर वो ही है ना कि अब उमेश और मैं जी अलग अलग रहवा लगी, तो उमेश भी शाम को आवे 7 बजे, 6:30 7 बजे आऊँ, तो बैठा भी कौन रहे इसको। बाकी फिर तो यही करना पड़ेगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब रात उमेश कन ही 9 बजे आई, क्योंकि इंसुलिन लेने के बाद मैं कि खाना वाना खा लियो, तो 7:30 8 बजे मैं खाना खा लियो, फिर एक घंटा फिर रुक जाए ताकि पता चल जाओ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए। तब मैं 9 बजे आई, फिर अब बैठा मैं यहाँ कौन रेस्ट करूँ कि परमजीत जी हमें रात ने लेट, उमेश ने सुबह जल्दी उठना पड़ा, गुड्डू भी जल्दी उठना पड़ा, फिर बस सबकी नींद खराब हुआ, वहाँ की भी डिस्टर्ब हुआ, और उमेश को खुद को भी स्वास्थ्य सही कौन रहा है, फिर गुड्डू भी सुबह जल्दी को नहीं उठ पावे क्योंकि फिर चाचू के लिए जागती रही, चाचू आवेगा चाचू आवेगा, अभी अगर के मतलब बैठ रहे कौन शेड्यूल बिल्कुल मिला की बात है। अभी टाइम अगर परमजीत जी घराना ही होता ना आज तो पता होने कितना ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाती मेरी, क्योंकि 10 मिनट मेरी को निकला भी कंडीशन कमाए नहीं हो रही, 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मैं कौन मेरे किचन में उठ के 12 हॉल में कौन आएगा। तो भी टाइम अगर कोई पास में नहीं हो, अभी टाइम परमजीत जी हाथों फटाफट से रोटी सेक के दे दी मैंने, मैं खा ली जल्दी जल्दी जब थोड़ी रिकवरी होगी, तो फिर सिचुएशन में तो आदमी मर जा मर नहीं जाओ, लेकिन पता कौन कितनी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बड़ा मन चक्कर आके गिर जाऊँ, या फिर मैं ये कोशिश करूँ कि चलो मैं खाना बना लूँ तो मैं रोटी सेक लगूँ, तो कह पे तो क्या ऊपर गिरूँ कि वह ठीक राउंड। पहले तो मैं सोचूँ गांव चल जाऊँगी, फिर परमजीत और गांव भी कौन जा सको इस सिचुएशन में, काठा तो पास में हॉस्पिटल है, जाके पूछ हुए अब मन दिक्कत हुई जिसमें हॉस्पिटल चल गया हाथों हाथ, फ़ोन पर भी बात कर ली, डोज भी कम ज़्यादा कर लिए। गांव में मम्मी बहुत नेरा निकाल रही है कि आज बेटा उर आ जा तू आ जा, हम आनों के छाछ दही देसी चीज़ें मिल जाएंगी गांव में मम्मी कन खाने, लेकिन प्रॉब्लम आया ना कि डॉक्टर वाली दिक्कत हो, 15 दिन तो कौन जाऊँगा, 15 दिन आ रहा इंसुलिन ले लूँगी, तब बॉडी में पता चल जाएगा कि कुछ रूटीन रहे, एक बाद में गाँव तो जाऊँगी बिल्कुल नहीं, 8 बार फोन पड़ा मुश्किल हो जाए, फिर परमजीत जी को टेंशन लगे ना बात की। तो चलो बाय बाय, मिला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।